रायपुर में आयोजित किसान महाकुंभ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने सभी किसानों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत इस किसान कुंभ में किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य का विकास रुक गया है, लेकिन अब फिर हम इस राज्य का विकास पुनः तीव्र गति से प्रारंभ करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में उपस्थित जन समुदाय को बताया। जन्मदिन जोलापुरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे, वो दिन कुछ मिनट में 12 लाख से ज्यादा किसान के खाता में 3716 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन। इस साल बम्पर धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुई से हमारे किसान भाई मन के खाता में समर्थन मूल्य उमला मिल गई से, लेकिन जो अंतर के राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल। इस साल 24,72,000 किसान अपन धान बेची रहे, तो मैं अपन ला बताते हुए मैं अपन ला गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अंतर के राशि आने वाला 12 तारीख के एक मुश्त 24,72,000 किसान मन के 13,000 करोड़ से ज्यादा के राशि मन के खाता में भेजे के काम ये छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। महतारी बंधन के बात हो रही से जो विवाहित हमारे माता बहनी मन है उमला साल में 12,000 देने के बात हो रही से मैं आप मला गौरव के साथ बताना चाहता हूँ कि कल 10 तारीख के 2 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ के 70,14,000 माता बहनी मन आशीर्वाद दही और कल लोगन के खाता में एक महीना के महतारी बंधन योजना के पैसा चले जाही। तो इस तरह से हमन रामलला दर्शन योजना के शुरुआत कर चुके हैं। पहला ट्रेन रायपुर से गई से अभी 2-3 दिन पहले रायपुर संभाग के हमारे 850 राम भक्त पहला ट्रेन में रामलला दर्शन योजना में अयोध्या गई ने, और हमारे सरकार आने वाला समय में पूरे छत्तीसगढ़ के राम भक्त मतलब सरकारी पैसा से निशुल्क में अयोध्या ले जाही और भगवान राम के दर्शन करा के लाही। तो हमारे मोदी के गारंटी में जो भी वादा है, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपया में दे के काम या तेंदुपत्ता के 5,500 प्रति मानक बोरा, चाहे भूमिहीन मजदूर किसान मतलब 10,000 रुपया साल के सहयोग दे के काम, ये सब काम ला छत्तीसगढ़ के सरकार आने वाला समय में पूरा करने वाला है। क्योंकि समय के अभाव है हमला हमार नेता ला सुनना, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए यही आश्वस्त करते हुए कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा है छत्तीसगढ़ के जनता से, आज मुख्यमंत्री के नाते में आप मल्ला आश्वस्त करता हूँ पूरे अन्नदाता किसान भाई मल्ला हमारे कार्यकर्ता बंधु मल्ला कि एक एक वादा ला हमारी सरकार है पूरा करी। और अंत में अपन भारी संख्या में आया अपन के सबके स्वागत अभिनंदन करते हुए और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय रक्षा मंत्री जी के फिर से आप सब मन के तरफ से अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात लान करत हूँ। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यम सभा में मौजूद छत्तीसगढ़ के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खड़ा हुआ और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ अथवा जुहार कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर छत्तीसगढ़ के आप सभी किसान बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसी 2023 के दिसंबर में
आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की आपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ है। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी साहब बोल रहे थे मैं उनके हर वाक्य को गंभीरता पूर्वक सुन रहा था और साथ ही विष्णुदेव जी साहब को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी साहब इतना अच्छा बोलते हैं, पहली बार एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए विष्णुदेव जी साहब को मैंने देखा है और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव जी साहब जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था वो हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है, तो छत्तीसगढ़ के वे किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एक दुनिया के 20-22 देशों का एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था जिसे हम G20 का सम्मेलन कहते हैं। G20 के सम्मेलन में अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहां कहां से बड़े बड़े देशों से, 20 देशों से लोग आए थे। जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, आपके पसीने का सम्मान करते हुए, मेरे किसान भाइयों, आपके पसीने का सम्मान करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान का हमारा किसान यदि मोटा अनाज खाता है तो दुनिया से आने वाले बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को मोटा अनाज खिलाएंगे। तो G20 के सम्मेलन में हम लोगों ने मोटा अनाज उन्हें खिलाने का काम किया था। यह है भारत।